हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू ट्रेंड्स। न्यू ट्रेंड्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बैक नेक के मटका ब्लाउज के बहुत ही प्यारे प्यारे और न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत प्यारे प्यारे लेटेस्ट डिज़ाइन ऐड किए हैं। मटका जो नेक का डिज़ाइन होता है बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही क्लासी लुक देता है। काफ़ी टाइम से मटका ब्लाउज डिज़ाइन वेयर किया जा रहा है, पसंद किया जाता है। इसे लेडीज बैक में डीप नेक का डिज़ाइन रेडी करवाती है, बहुत प्यारा सा क्लासी सा लुक मिलता है। कुछ इस तरीके से आप इसमें बैक में डिज़ाइन बना सकते हैं मटके गले की, या फिर इसमें आप डिटेलिंग्स पे करवा सकती है। चाहे तब इस टाइप से टैसल्स लगवा सकते हैं, हैवी टैसल्स लगवा सकते हैं। कुछ अलग अलग तरीके से आप इसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। फैब्रिक से आप इसमें डिज़ाइन पैटर्न्स बनवा सकते हैं। सिंपल सोबर आप मटके का शेप बनाकर इसमें डोरी अटैच करवा सकते हैं। फिर कुछ तरीके से आप अटैच करवा सकते हैं। न्यू न्यू स्टाइल्स में आपको मटका ब्लाउज डिज़ाइन के इसमें डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही प्यारे प्यारे लेटेस्ट डिज़ाइन है। अगर फेस्टिवल सीजन है और आपको भी क्वेरीज होगी कि आप भी अलग अलग टाइप्स के ब्लाउज डिज़ाइन अपने लिए रेडी कराएं, भाई दूज आ रहा है, छठ पूजा है, दिवाली है, सभी के लिए आपको साड़ी और ब्लाउज रेडी कराने होंगे, तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके के ब्लाउज डिज़ाइन अपने लिए रेडी करा सकते हैं। सिंपल सोबर दिखने के साथ साथ बहुत प्यारा सा लुक भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। या फिर आप कुछ इस तरीके से आप इसमें लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स आप यूज़ कर सकते हैं, बटन्स आप अटैच करा सकते हैं। इस तरीके से आप ब्यूटीफुल डिज़ाइन अपने लिए रेडी करा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप प्लेट्स पर डिज़ाइन रेडी करा सकते हैं, या फिर आप बैक में मटका डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा लुक आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस, मैं ऐसे ही यूट्यूब वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।